शैम्पू में बस दो चीज़ मिला लेने से बाल इतनी तेज़ी से लंबे और घने हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे लगाने के बाद आप ये जान पाएंगे कि कैसे आप अपने बालों को लंबा, घना और मोटा कर सकते हैं। साथ ही उन्हें शाइनी बनाकर अपने बालों का झड़ना भी रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 2 से 3 चम्मच चावल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चावल को 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसमें पॉलिश वगैरह लगी होती है, डस्ट वगैरह लगी होती है जो निकल जाएगी। अगर हम ऐसे ही इन्हें सोख करके रखेंगे तो हमारे बालों में नुकसान कर सकते हैं। 2-3 बार धोने के बाद हम इसे पानी में भिगो कर रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने से ये आपका फर्मेंटेड राइस वाटर तैयार हो जाएगा, जो और भी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। अब आपको अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू, जो भी आप यूज़ करते हैं, वो लेना है। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से शैम्पू को एक बोल में डाल लें। मैं यहाँ पे 2 पाउच का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब शैम्पू डालने के बाद हम इसमें मिलाएंगे जो हमने राइस वाटर अपना तैयार किया है, उसे 4 घंटे हो गए हैं, तो इस बोल में हम डाल देते हैं। डालने के बाद अच्छे से पहले हम दोनों चीज़ों को मिला देंगे, ताकि राइस वाटर और शैम्पू जो हमने ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम ले लेंगे फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो फिर मार्केट का हर्बल एलोवेरा जेल ले सकते हैं। कोई केमिकल वगैरह वाला आप ना यूज़ करें, फ्रेश रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर वाला हमने इसकी लीव हटा दी है। आप नाइफ़ से चाहे इसका जेल निकाल सकते हैं, या मिक्सी के जार में डालकर भी इसका जेल बना सकते हैं। तो मैंने मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लिया है, इसे थोड़ा मिलाने में आसानी रहती है। तो अब यहाँ पे एलोवेरा जेल और साथ ही हमने राइस वाटर शैम्पू में मिला दिया है। अच्छे से आपको इसे पहले 2 मिनट तक के लिए मिला लेना है। जब भी आप वीक में अपने बालों को वॉश करें, 1 बार या फिर 2 बार इस तरीके से आपको इस रेमेडी को बना के तैयार कर लेना है। पहले से बना कर ना रखें। एलोवेरा घरेलू नुस्खों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड पाया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपके बालों की जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें चमकदार भी बनाते हैं। अब आपको इसे लगाना कैसे है वो जान लें। जैसे आप नॉर्मल शैम्पू लगाते हैं अपने बालों में और एकदम से आप बालों को वॉश कर देते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इसे अपने बालों पर अप्लाई करके अच्छे तरीके से फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आप अपने बालों को पानी से वॉश कर लें। जब भी आप बालों को धोएं तो इस तरीके से इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। रिज़ल्ट देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। बालों का टूटना झड़ना रुकेगा। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो मोटे होने शुरू हो जाएंगे, साथ ही बालों की लंबाई बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।